और ये सेकुलर कहलाने वाले हराम खोर, तो मेरी कौम के नौजवानों कभी नरभसाना मत इन सत्ता के दलालों से। और दो टुक मैंने कहा, हेमंत बाबू इतना ही शौक मिटाने का हौसला है तो बलिया भी आ रहा है कल। हुकूमत वालों से कभी दब के बातें मत करना, चाहे किसी की हुकूमत हो। भारत से हम इसलिए प्यार नहीं करते कि मेरे बाप की कब्र यहां है। भारत से मोहब्बत हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि यहां मेरी मस्जिद है और ये मेरे आबाओ अजदाद की कब्रें यहां हैं, इसलिए नहीं। बल्कि जो पहला मुखबिर आया है, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलिए तो बोलूंगा। काश ये गुफ्तगू कहीं और में छेड़ा होता तो स्टेज चीख पड़ता, लेकिन अफसोस है ठाकुर के बारात में ठाकुर है ठाकुर। पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, भारत में। जोर से जोर से जोर, जोर से बचाओ। पहला मुखबिर भारत में, अमा काबा मक्के में है जरूर, लेकिन पहला तवाफ करने वाला इंसान अरब से नहीं गया, भारत से गया। भारत का पुराना रिश्ता है मक्के से। पहला तवाफ जिसने किया काबे का, वो भारतीय था। कब बोलोगे यार, बोल दो। अरे लहक के बोल, मैं चढ़ा रहा हूं वहीं। जोर से तवज्जो चाहो। जो पहला काबे का तवाफ किया यात्री, वो भारतीय था, मक्की नहीं था, मक्की नहीं था। और मेरी औलादों को भारत प्रेम का सबक मत सिखाना। अमा गैरों को बलियाबी अगर गढ़ता है तो बलियाबी को खुशी होती है, लेकिन मेरी बिरादरी को भी बलियाबी बहुत गढ़ता है। रोज का मैं आदी हूं, शायद कोई रात बीतती हो जिस दिन खुश्क आंखें लेकर तेरा बलिया भी सोता, घर पर रह करके भी जो इंसान तीन वक्त खाना न खा सके वक्त पर, खुद को जीने के लिए जिंदा रहना हर एक को आता है रे, लेकिन नस्लें जिंदा रहें इसके लिए जीना किसी किसी को आता है। और जिस दिन मेरी औलादों को यही होश आ गया कि अब हम खुद को जीने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, तो वो लोग मेरी औलादों को आंखें नहीं दिखा सकते जिनको आज तक ढंग से कपड़ा पहनने नहीं आया, जो अपना बदन नहीं छुपा सका वो भारत छुपा लेगा। लेकिन ये मौका गैरों ने नहीं, तुमने दिया। मुसलमान तुमने दिया, तुमने तुमने भारत से मोहब्बत कालम तो यह है मुसलमानों का, और ये सेकुलर कहलाने वाले हराम भी जाता है तो तिरंगा अपने से अलग नहीं रखता। लेकिन वो तिरंगा यात्रा निकालते, हमारी औलादों के
कत्ल और मॉब लिंचिंग पर लड्डू बांटते हैं। इसी रांची में नामूसे रिसालत के लिए मेरे बच्चों को 1:47 से भून दिया गया। मेरे कान मुंतजिर रहे कि शायद कोई बोले, उल्टे मेरी ही औलादों के 750 बच्चों पर गलत मुकदमा किया गया। रात को वर्दी पहने गुंडे दरवाजा तोड़कर मेरी बहू बेटियों की आबरू पे हाथ डालने लगे। तब तेरे बलियाबी ने पटना से यहां की हुकूमत को कहा और दो टुक मैंने कहा, हेमंत बाबू इतना ही शौक मिटाने का हौसला है तो बलियाबी आ रहा है कल, मत उंगली डालो मेरी औलादों के होठ पर। बांध कर रखा है रस्सी से मोहब्बतों के आलिमों को, वरना हमें किसी इस तरह अलग से फौज की जरूरत नहीं है। अगर मेरी मस्जिदों का इमाम, मदरसों का आलिम, मस्जिदों का मुअज्जिन अगर बांध कर निकल गया इमामा, तो तेरी जेल की साइज छोटी पड़ जाएगी, नबी के गुलामों के हौसले नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामूसे रिसालत, दारुल गौसे आजम, अल कुरान कॉन्फ्रेंस, गाजी मिल्लत, शेरे कायदे अहले सुन्नत। कमजोर आपने किया और आप सुनो या ना सुनो, तेरी औलादों के मुस्तकबिल की बात मैं करते रहूंगा, मानो या मत मानो मैं बोलते रहूंगा। कम से कम मरते वक्त ये बोझ तो नहीं रहेगा कि हम अपने दर्द को सुना के न मर सके। मेरे अजीज, खबर ये कि अल्लाह है, खबर ये कि वो वहदहू ला शरीक है, खबर ये कि वो बेमिसल बेनजीर मुखबिर है। जो पहला मुखबिर आया वो भारत में, कब बोलोगे? जोर से, ओए जोर से। इसलिए कि मैं उसको छू दूंगा तो एक हफ्ता टीवी पर डिबेट होगा। इसी बरही में मेरे बच्चों को लोग लावारिस समझकर जो चाहे जब चाहे चमाट मार दे। अदारे शरिया की तहरीके बेदारी का इजलास हुआ और फिर 11 नवंबर से शुरू होगा। साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोल, साथ देगा कि नहीं देगा? और झारखंड और बिहार का हर जिला घूमने के बाद बिहार के पटना में और झारखंड के राजधानी में फरवरी में नहीं या जनवरी में हिसाब ले लूंगा। जो मेरे बच्चों का वोटर लिस्ट में नाम देखकर नीलगाय की तरह हड़क रहे ना, उसी मोराबादी में समझा दूंगा कि जिसे तुम सूखा हुआ पत्ता समझ रहे हो, ये सूखा हुआ पत्ता नहीं है, ये दौरे आदम का लगाया हुआ पौधा है। खबर ये कि वो है, मुखबिर कहां? तो मुखबिर आए। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, हजरत मोबाइल में बाद में बतिया लीजिएगा।
ये बच्चे भी समझेंगे कि कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं। सुन लीजिए, मुखबिर आया हमारे हजरत काजी शरीयत तशरीफ फरमाए, मस्गेडी के दो जवान आए, बोले कि हजरत चांद देखा है मैंने। खबर ये कि चांद, मुखबिर आए दो, बोले चांद देखा है। तो हजरत ने पहले मुखबिर की सूरत देखी, चेहरा देखा, और शक्लो सूरत देखने के बाद काजी साहब ने कहा कि तुमने देखा है? कहा जी मैंने देखा है। तवज्जो चाहो, खबर चांद की। प्लीज 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 ऐसा नहीं बेटा, भूल जाऊंगा मैं। खबर, अरे बोलो ना, चांद की। काजी साहब ने पहले शक्ल देखी कि ये मुखबिर है कैसा, तवज्जो चाहो। उसके बाद काजी साहब ने पूछा कि रोजा रखे थे? तो अगले ने कहा कि हां, चार आगे और चार पीछे, बीच में घेर दिया। तो काजी साहब ने कहा यानी तुम रोजा भी पूरा नहीं रखे हो। ईमानदारी से बोल दिया, जी नहीं, पूरा नहीं रखो। लो समझ में बात आ गई कि योगी का बुलडोजर सनका हुआ क्यों है। जब तुम्हारी तरह नशा में लोग रहेंगे तो इलाज वही करेगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे। सुनोगे तो बोल लो, ओए बोल ले लहक के। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज। काजी साहब ने कहा कि तुमने नमाज पढ़ी है? बोला हजरत जुमा जुमा पढ़ता हूं, झूठ नहीं बोलू। सुन ली, ये गुफ्तगु कभी कभी मिलेगी। खबर चांद की, लेकिन काजी साहब ये इस मियार पे ला रहे कि मुखबिर की खबर मुस्तनद होगी कि नहीं। पहले इसे कसौटी पर रखू। खबर यह कि अल्लाह वहदहुला शरीक, खबर आदम ने दी, खबर ईसा ने दी, खबर मूसा ने दी, खबर याकूब ने दी, खबर यूनुस ने दी, खबर साले ने दी, खबर दानियार ने दी, खबर नबियों ने दी, रसूलों ने दी। और जिस किसी ने खबर दी तो क्या दी? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक, वहदहुला शरीक, उसके अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं। खबर वहदानियत की, खबर अहदियत की, खबरें चलती रही, खबरें बढ़ती रही, खबरें चलती रही, खबरें बढ़ती रही। इन खबरों के सपोर्ट में तौरेत भी, इंजील भी, जबूर भी, सहीफे भी, लेकिन 12 नबीबुन नूर को सुबह सादिक के वक्त, तवज्जो चाहो, सुबह सादिक के वक्त महबूब भी आया, मुखबिर भी आया। तवज्जो चाहो, महबूब भी आया, मुखबिर भी आया। मुखबिर नबूवत लेकर, मुखबिर नबूवत लेकर, और आया तो 40 साल चुप रहा। कितना दिन? जोर से बोल, कितना दिन? 40 साल चुप रहा। महबूब आप नहीं बोलेंगे, हबीब आप नहीं बोलेंगे, मुस्तफा आप नहीं बोलेंगे, हलीमा की दूर होती हुई गरीबी बोलेगी। महबूब आप नहीं बोलेंगे, हलीमा की बीमार उठनी बोलेगी।
महबूब आप नहीं बोलेंगे, जिस रास्ते से महबूब आप गुजरोगे ना, रास्ते का पत्थर आपके पैर का निशान लेकर बोले। महबूब आप चुप रहे, आप चुप रहे, आप चुप रहे। महबूब जब आप गुजरेंगे ना, तेज धूप होगी तो दरख्तों की टहनियां शाखें लपक लपक कर साया करके बोलेंगे। हबीब जब आप गुजरेंगे तो आपके सरों के दाएं बाएं बादल साया करके बोलेगा। महबूब आप चुप रहे, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। महबूब जब आप चुप रहेंगे सब बोलेगा। तो पहले 40 साल में आपकी जात को मान लिया जाएगा, 40 साल में आपकी जात को माना जाएगा। हसन साहब बहुत अच्छे। जब मक्के ने देख लिया कबीले कुरैश में हंगामा हुआ, अब्दुल्ला के घर पोता आया, तो अब्दुल्ला की घर की गुर्बत भाग खड़ी हुई, और उजाले जब उतरे हैं तो पूरा मक्का बोल पड़ा। देखने पे तो लगता है कि अब्दुल्ला का पोता है, लेकिन आने के जलवे बता रहे हैं सिर्फ पोता नहीं आया है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब इसको यहीं रोक लो तो एक टुकड़ा और इसी में डाल दो। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा या रसूल अल्लाह, रंग में बोल दो या रसूल अल्लाह। काजी साहब किबला, हजरत मुफ्ती साहब, सारे लोगों को मालूम है कि जब अकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त शरीफ लाए तो खाने काबा में 360 कितने 65 नहीं थे क्या? पंजतने पाक का इसमें भी लिहाज रखा गया। 300 महामहिम लोग थे, किसी की जमीन हथियाना हो खड़ा कर दो। किसी की प्रॉपर्टी कब्जा करना हो रात को रख दो। तब तेरे बलियावी ने इस्लाम के दुश्मनों को चुनौती देकर कहा था, सुन सुनिए, हमारी मस्जिदें हुकूमत की जमीनों पर नहीं है, हर बीवी जमीनों पर मदरसे हम नहीं बनाते, वो किसी और का माबूद होगा जो भगौड़ा होगा, किसी की जमीन पर जाके कब्जा कर ले, हमारा माबूद वो नहीं। और माफ करना, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये फौजियों का मजहब नहीं है, ये आशिकों का मजहब है। तवज्जो चाहूं, अगर फौजियों का मजहब होता तो बद्र में ही टूट गया होता, लेकिन ये आशिकों का मजहब है कि खजूरों की टहनियां लेकर उतरा तो जंग जीत लिया। क्या